से मैश कर लेंगे। गैस का फ्लेम स्लो रख के इसको मैश करेंगे, क्योंकि अंडे घोटाले में ना हर चीज़ मैश की हुई रहती है। इस तरह से रख के ग्रेट कर लेंगे। देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। क्योंकि हमें इसका ऑमलेट तैयार करना है, बना के रखे ये इसके ऊपर डाल देंगे। ये हमारी दाल, ये हमारा गोश्त। बोल, इतना अच्छा बनाई माशाल्लाह, तो दिल खुश हो गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह अच्छे होंगे। आप सब की फसल हम सब भी बहुत अच्छे से। मॉर्निंग हो गई हमारी और अभी मैं आ गई हूँ किचन में अपना नाश्ता बनाने के लिए। तो देखिए आज नाश्ते में क्या बन रहा है। तो आज बन रहा है अंडा घोटाला। हाँ, मैं नाश्ते में अंडा घोटाला बना रही हूँ, तो इसकी रेसिपी भी आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो आइए देखिए अंडा घोटाला बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए अंडा घोटाला बनाने के लिए मैंने चार अंडों को बॉईल कर ली हूँ और इसका छिलका निकाल ली हूँ। तो यहाँ पर ली हूँ मैंने दो बड़ी प्याज बारीक चॉप की हुई और दो टमाटर इस तरह से बारीक चॉप किए हुए, और ये है हरा मसाला, कोथमीर और 6 से 7 हरी मिर्ची, इसको हम पीस लेंगे। तो क्योंकि मैं हरे मसाले में बना रही हूँ अंडा घोटाला, इसलिए मैं मिर्ची और हरा धनिया ली हूँ। चलिए सबसे पहले हम गैस पर रखेंगे कढ़ाई रख दी हूँ। तो कढ़ाई पर डालेंगे हम 1 बड़ा चम्मच तेल के साथ डालेंगे 1 टेबल स्पून बटर। बटर डालने से क्या है ना, अंडे घोटाले में टेस्ट अच्छा आता है। 1 टेबल स्पून डाल दी हूँ, ठीक है। अब ये मेल्ट होने देंगे। चलो बटर भी मेल्ट हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे ये प्याज। बिस्मिल्लाह। बटर डालने से खुशबू बहुत अच्छी आती है। चलो अब इसको हम लाल नहीं करना है हमें प्याज को, बस नरम हो जाए वहाँ तक पकाएंगे, ठीक है। लाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे वरना कलर चेंज हो जाएगा अंडे घोटाले का। वो प्याज पक रही है जब तक हम ये पीस लेते हैं हरा धनिया और मिर्ची को। पर प्याज हमारी नरम हो चुकी है। चलिए अब क्या करेंगे, अब इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पर मैं डालूँगी 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसी के साथ जो मैंने ये मिर्ची और कोथमीर का पेस्ट बनाई ना, ये भी डाल देंगे। इससे क्या कलर अच्छा आता है कोथमीर मिर्ची के पेस्ट से। ज़रा भून लेंगे। और आज मुझे खिड़की बंद करके पकाना पड़ रहा है, क्योंकि बाहर स्पीकर लगा है, गाने वगैरह बज रहे हैं, तो आप लोगों को डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैंने खिड़की बंद कर ली। अभी इसको 1 मिनट भून लेते हैं अदरक लहसुन और मिर्ची को पेस्ट को। तो यहाँ पर मैंने सारे मसाले डाल के अच्छी तरह से भून ली हूँ 1 से 2 मिनट। चलिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर मैंने जो टमाटर चॉप करके रखी हूँ 2 बड़े टमाटर, ये भी डाल देंगे। अब इसी के साथ जाएंगे कुछ सूखे मसाले। तो यहाँ पर सूखे मसाले में मैंने ली हूँ 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक, ये भी डाल देंगे साथ ही में टमाटर के, और इन सबको भी अच्छे से भून लेंगे। 1 मिनट भून लेते हैं मसाले डाल के। तो यहाँ पर टमाटर मसाले डालकर मैंने 1 से 2 मिनट भून लिए अच्छी तरह से। चलिए अब इसमें जाएगा पानी। यहाँ पर मैं 1/2 ग्लास पानी डाल रही हूँ। पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसे मैशर से मैश कर लेंगे। गैस का फ्लेम स्लो रख के इसको मैश करेंगे, क्योंकि अंडे घोटाले में ना हर चीज़ मैश की हुई रहती है। तो इसको टमाटर और प्याज वगैरह नरम कर लेंगे इस तरह से मैश करके। तो यहाँ पर देखिए मैंने मैशर से सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। टमाटर वगैरह जो है सब अच्छे तरह से मैश हो चुके हैं। गैस का फ्लेम स्लो ही रखेंगे, फास्ट नहीं करेंगे।
देगी। अब क्या करेंगे, अब इसमें जाएंगे अंडे। तो यहाँ पर जो मैंने 4 अंडे बॉईल करके रखे ना, इसको हम इस तरह से ग्रेट करके डालेंगे। गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे और ये अंडे इस तरह से रख के ग्रेट कर लेंगे। देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। बस हाथ संभाल के करना, वरना फिसलने का भी डर लगता है ना। देख, इसी तरह से मैं 4 अंडे ग्रेट करके डाल दूंगी। यहाँ पर देखिए मैंने 4 अंडे ग्रेट करके डाल दी ग्रेवी में। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। कलर भी देखिए कितना बेहतरीन आया है, देख सकते हैं आप लोग। अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ मसाले में अंडों को। चलिए अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी, बस थोड़ा पानी डालेंगे। 3-4 टेबल स्पून पानी डाल के इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए। ढाकने वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इस तरह से हम इसको खुला ही 2 मिनट पका लेते, फिर हमारा अंडा घोटाला जो है बन के रेडी हो जाएगा। यहाँ पर हमारा अंडा घोटाला पक रहा है, जब तक हम दूसरी साइड एक पैन रख देंगे। पैन में डालेंगे 1/2 चम्मच तेल। यहाँ तेल गर्म हो गया हमारा, अब इसमें एक अंडा फोड़ के डालेंगे हम, क्योंकि हमें इसका ऑमलेट तैयार करना है अंडे घोटाले के ऊपर डालने के लिए। इस तरह से ऑमलेट बना के डालेंगे ना, बहुत अच्छा लगता है अंडे घोटाले के ऊपर। इसको पकने देते, ऐसे ऊपर इसको साइड से तेल उड़ाएंगे। पलटना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमें इसको अक्खा ही रखना है, इसकी जर्दी फूटना नहीं चाहिए। इस तरह से तेल उड़ाएंगे तो अपने आप ही ये पक जाता है ऊपर से भी। चलिए आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमारा हाफ फ्राई जो बन के रेडी हो गया। इसके ऊपर से जाएगा नमक, नमक डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, और फिर जाएगा ब्लैक पेपर पाउडर, और फिर जाएगा इसके ऊपर से धनिया, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अभी ये गैस का फ्लेम इसका ऑफ कर देंगे। और यहाँ पर अंडा घोटाला भी बन चुका है, इसका भी फ्लेम ऑफ करके इसको निकाल लेते हैं हम एक प्लेट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। देखिए माशाल्लाह, ये हमारा अंडा घोटाला भी रेडी हो गया है। और ये जो हाफ फ्राई हम बना के रखे, ये भी इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हमारी रेसिपी अंडा घोटाला बनके रेडी हो चुका है। तो कितना अच्छा, कितना ज़बरदस्त बना है। कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये अंडा घोटाले की रेसिपी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग भी अपने घर में मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। चलो अभी हमारे मेरे बच्चों को, मेरे शौहर को, सबको भूख लगी है, सबको खाने के लिए देती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो माशाल्लाह नाश्ता वगैरह हो गया हमारा। नाश्ता करने में बहुत मजा आया है, अंडा घोटाला खाने है ना, नंबर था। अंडा घोटाला खाए, उसके बाद आज जुम्मा भी है, तो आप सभी लोगों को मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। तो जुम्मा है तो काम भी बहुत ज्यादा रहते है, तो आज तो हम लोग जुम्मा स्पेशल तारी नहीं बनाएंगे। आज तारी नहीं बनने वाली है। क्यों मालूम? क्योंकि कल रात को ही हम लोग ने चिकन यखनी पुलाव खाए, जैसा कि आप लोगों को मैंने वीडियो बता चुकी हूँ। तो अभी एक दिन पहले ही खाए हैं पुलाव, तो फिर अभी आज नहीं खाएंगे। आज हम लोग खाने वाले हैं मटन दाल गोश्त। क्या बात है। हाँ, तो आज जुम्मा स्पेशल मटन दाल गोश्त। दाल गोश्त भी ना जुम्मा स्पेशल में ही आता है। हाँ, नमाज के बाद दाल गोश्त मिल जाएगा या तारी मिल जाए, अपने भाई लोग को ये बहुत पसंद है। मेरे शौहर मटन ला के दिए हैं, दूधी भी ला कर दिए, तो जल्दी से जाती हूँ किचन में, दाल गोश्त बनाती हूँ, उसके बाद नहा धो के फ्रेश होके नमाज भी पढ़ना है, तो पहला खाना बना लेती हूँ। हम लोग भी नहा धो के फ्रेश होते हैं, नमाज जुम्मा पढ़ने जाते हैं। हाँ। जुम्मा पढ़ के आके फिर आपसे मुलाकात करते हैं। और मेरे सैफान भी आज स्कूल नहीं गया, क्योंकि सुबह से उसके पेट में बहुत दर्द है। देखो सोया ही है बच्चा मेरा। हम जाके दवा लेके आए, ऐसी दवा लाए, उसको दवा खिला के सुलाया, स्कूल नहीं भेजा, छुट्टी स्कूल की। बार बार उसको ना पेट में दर्द हो रहा है।
बाहर का कुछ भी खा लेता है ना तो ऐसे ही रहता है उसको, फिर हमेशा ऐसे ही होते रहता है। दुआ करो मेरे बच्चे के लिए, दुआ करो सैफन जल्दी से ठीक हो जाए और खेलने लगे दौड़ने लगे। अभी 2 घंटे में इंशाल्लाह नमाज के बाद खेलेगा। हाँ अभी नमाज पढ़ के उसको दुआ पढ़ के फूकूंगी ना, अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मटन दाल गोश बना रही हूँ, उसकी रेसिपी तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ किस तरह से बनाती हूँ मैं। जिस किसी ने नहीं देखा वो जल्दी से जाके देख लो। मिलते हैं नमाज के बाद। मैं भी मिलती हूँ किचन में, पकाती भी हूँ बात भी करती हूँ। स्टीम राइस बन के रेडी हो गया है और अभी मैं जा रही हूँ दाल गोश बनाने के लिए। गोश भी मेरे शोर लाए और यहाँ दूधी भी देखो कितना अच्छा लेकर आए, दूधी बहुत कौंडा लेकर आए मस्त। अरे मैं नहीं भी जाऊँ ना मार्केट तो बहुत अच्छा लेकर आते, गोश हो या भाजी हो कुछ भी हो। चलो फिर अभी मैं जल्दी जल्दी बना लूँ, पहले पका लूँ, नमाज का भी टाइम होने वाला है, फिर मिलती हूँ बनाने के बाद। तो यहाँ पर मेरा दाल भी बॉयल हो चुकी है, गोश भी पक चुका है। ये देखो ये हमारी दाल, ये हमारा गोश, दाल गोश हो गया रेडी। दूधी डाल दूंगी तो बन के रेडी हो जाएगा। चलो तो अभी मेरा खाना तो बन गया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी नहाती हूँ नमाज पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नमाज पढ़कर हो गई, नमाज भी पढ़ ली, मेरे शोहर और बच्चे भी आ गए नमाज पढ़ते। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मेरी पूरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह आपके हमारी तमाम जायज दुआओं को अल्लाह ताला कबूल करे, है ना। अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से भी आप सबको जुम्मा मुबारक। क्या बात, ये देखो हुसैन हमारा सोलिंग कर रहा है। हुसैन तू भी बोल दे जुम्मा मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक सबको। हाँ तो अभी चलो नमाज तो हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह हम सबकी, अभी दस्तरखान लगाते हैं और जो खाना बनाई हूँ वो खाते है। आपको तो मालूम है आज आखिरी खाने में क्या बना रही है ना, बोल चुके दाल गोश्त है ना, मटन दाल गोश्त। हाँ दाल गोश बना है, चलो अभी नमाज पढ़ के आएंगे तो फिर भूख लगती है ना सबको। जुम्मा के बाद तो हर किसी को बहुत जोर की भूख लगती है, जैसा जुमा की नमाज छुट्टी पब्लिक खाने पे टूट पड़ती है, और दाल गोश बना तो माशाल्लाह क्या बात है। चलो फिर खाते हैं, आपको दिखाते हैं आज का टेस्ट कैसा है। चलो दस्तरखान लगा, चलो तो बैठ गए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खाना खाने के लिए। जैसा कि बताया आप लोगों को ये हमारा है दाल गोश रेडी। क्या बात है माशाल्लाह माशाल्लाह, गर्मा गर्म दाल गोश ये देखिए खाएंगे मजा आ जाएगा। दूधी दूधी दाल गोश में दूधी मतलब दाल गोश की जान है दूधी, खटाई भी है, खटाई भी है। ये देखो खटाई डालने से और मजा आया था, और पुलाव भी है। हाँ ये हमारा रात का चिकन पुलाव है, गरम कर ली हूँ अभी हम लोग खाएंगे इसको। पुलाव भी खाएंगे, दाल गोश के ऊपर पुलाव। पुलाव था बोल के इसलिए तो मैंने बनाई नहीं अभी तारी आज। चलो खाते खाके दिखाओ, बहुत जोर से लगी है भूख। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बोल इतना अच्छा बनाई माशाल्लाह, तो दिल खुश हो गया, बहुत टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार। आप लोग भी अपनी फैमिली के साथ बनाओ और सबको खिलाओ, ओके। तो मैं भी खाना खा के आपको मिलते हैं, आप फिर। हाँ चलो खाना खा के मिलते हैं हम लोग। हाँ बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। खाना खाकर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, खाना खाने के बाद अभी हम लोग पी रहे हैं ठंडा ठंडा गन्ने का जूस। गन्ने का जूस हसन ला कर दिया है तो वही पी रहे। गर्मी बहुत हो रही है ना। हाँ जरा मौसम गर्म हो गया तो धूप निकल गई ना, तो ऊपर स्टीम से भाप बन के भाप मार रहा है, लू मार, कड़क धूप है तो बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। दाल गोश्त खा के दिल खुश हो गया। सुबह में अंडा घोटाला की रेसिपी आपने बताई है ना, तो नाश्ते में आप लोग बनाओ बहुत मजा आता है, एक बार बनाओ। और कड़क पाव हो या नरम पाव हो या रोटी के साथ खाओ, नरम पाव के साथ अच्छा लगता है। नहीं नरम पाव नहीं, कहीं नहीं मिलते ना पाव, तो फिर रोटी के साथ खा सकते हैं। आपको मुंबई वालों को टेंशन नहीं है पाव का, मुंबई के जो भाई उनको टेंशन है, तो आप लोग रोटी के साथ खाए या फिर कड़क पाव के साथ जो सब मतलब खा सकते, टिफिन में बच्चों को दे सकते है ना, स्कूल में बच्चों को टिफिन अगर स्कूल जाना तो उसको टिफिन में भी दे देती, मगर बच्चे की तबीयत खराब थी तो नहीं। तो यही था देखो हमारा दिन भर का रूटीन और हमारी रेसिपी अंडा घोटाला। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप लोग भी अपने घर में मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करके खाना, बहुत ही अच्छी बनती है। चलो फिर ये वीडियो को एंड करते हैं हम लोग, है ना। बराबर, मैं भी खाना खा लिया हूँ, जुम्मा की नमाज के बाद खाना खाया, अब मैं भी जाता हूँ बुटीक पे इंशाल्लाह। फिर आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगा, हाँ। और फिर इनके साथ
और एक नई रेसिपी के साथ है ना, इंशाल्लाह जरूर। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। चैनल पे नहीं तो याद से सब्सक्राइब करो, हमारे वीडियो को आगे शेयर करो ताकि हमारी वीडियो को दूसरे को फायदा हो सके। जिसको खाना बनाना नहीं आता है वो आप फिल्म की रेसिपी से बहुत आसानी से घरेलू मसाले में खाना पका ले। हाँ। जो हर घर में हर किचन में जो मसाले होते हैं उसी बेस पे अपने खाना पका दिए है कि नहीं। तो हमारी वीडियो को याद से शेयर करें और चैनल पे नहीं हो तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि ना बहुत से लोग क्या है ना याद दिलाना पड़ता है आप लोग को। आप लोग ने जिस तरीके से हमारा 50K किया है ना, इंशाल्लाह आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो हम लोग बहुत जल्दी 100K भी हो जाएंगे। आप लोग की दुआ रहेगी इंशाल्लाह। और मेरे इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कीजिए, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है आपने दस्तर था याद से फॉलो करो। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना, बाय।